ये जो आज जो एग्जीबिशन रखा गया है इसको मैंने स्पिरिचुअल जर्नी का नाम दिया है। मेन मकसद इसको पेंट करने का ये है कि जो कोविड की वजह से दो साल से पिछले दो साल से जो हम हज और उम्रे की अदायगी जो मुसलमान नहीं कर सकते, तो उन मनाजिर को मैंने पेंट किया है ताकि लोग जो है उस दिलकश मनाजिर को दोबारा से हम रिकॉल कर सकें। और खसूसी ये जो हज का मौका है, ये फर्स्ट दिल हज से जो एग्ज़िबिशन रखी गई थी, ये इसलिए इसको पेंट किया गया। इसको स्पिरिचुअल जर्नी का इसलिए नाम दिया गया क्योंकि जब हम खुद सफ़र जब हज के लिए जाते हैं तो हम दो तीन महीने पहले तैयारी स्टार्ट करते हैं हज के लिए जाने के लिए, वो सब वहाँ जाने के लिए कि हमने एक जो 40 दिन गुजारने हैं मिना में, अरफात के दिन में, मुजलफा में जो रात गुजारनी है, उस सब की वो जो एक पूरी ट्रेनिंग होती है हज के लिए। तो वो इसलिए उसको मैंने एक स्पिरिचुअल जर्नी अल्लाहुम्मा लब्बैक जो एक वो सदा होती है जो हम उसे याद करते हैं कि हम जब हम जहाज़ पे ही बैठते हैं तो तभी से वो हम जो है ये जो है मुकद्दस जो है अल्लाहुम्मा लब्बैक के जो है सदाएं हम हमारे दिमाग में दिलों में में जो है वो गूंजनी शुरू हो जाती है कि हम एक रूहानी सफ़र के लिए जा रहे हैं। तो इसलिए मैंने इसको ये नाम रखा। और ये जो है इसमें से कुछ पेंटिंग जो है वो तस्वीरें जो है वो मैंने इंटरनेट से पिक्चर्स ली हैं और कुछ जो है वो मैंने खुद जो 2015-16 और 17 और 18 में जो ली हैं सारी पिक्चर्स उनको कम्बाइन किया मैंने। देखिए वहाँ पे सऊदी अरब में इसे कहते हैं मिना सिटी। ये पूरी एक सिटी आबाद होती है हज के दिनों में और उस वक्त पूरा एक मंजर होता है। वहाँ पे पूरे बाज़ार लगते हैं मिना में, मिना के टेंट, और अगर आप उस मिना सिटी के ऊपर ट्रैवल करते हैं तो वो आपको रात के टाइम ऐसे लगता है जैसे कि वो रोशनियों का शहर है। उस वक्त रोशनी खेमे खेमे सारे हाजी, और वो तो उस मंजर को मैंने कैप्चर किया। ये मिना सिटी है। वो जो मज़रा रहमत जो है वो रहमत का जो चश्मा है उसके अंदर जो बारिश होती है तो वो जो पानी जो परनाला जो है रहमत का वो बरसता है, और हर उस हाजी की ख्वाहिश होती है कि वो उस परनाले का पानी उसके ऊपर गुजरे। ये सारी जो है कैनवस पे ऑयल पेंटिंग है और इसमें जो मुख्तलिफ ब्रशेज़ हैं ज़ीरो से ब्रश स्टार्ट होते हैं और बड़े डिफरेंट ब्रशेज़ जो हैं उसको इस्तेमाल किया गया। जो मेरी सबसे पसंदीदा एक जो है वो इसमें यही मज़राबे रहमत की पेंटिंग थी और एक मुकाम इब्राहिम की पेंटिंग थी जो सुबह कासिम सूरी साहब ने इसको ख़रीदी और उसको अप्रिशिएट किया और उनको मैंने ये बताया कि ये सबसे खूबसूरत पेंटिंग है क्योंकि वो एब्स्ट्रैक्ट में भी थी और वो मजहबी लिहाज से भी मुकाम इब्राहिम थे और हाजी थे, तो वो मेरी दोनों फेवरेट थी। लग रहा है और पेंटिंग्स को देख के सारी यादें ताज़ा हो जाती हैं और काफ़ी नेचुरल पेंटिंग्स हैं और राबे ने बहुत अच्छा काम किया और बहुत मेहनत की है इन पे और बाकी ये कि माशाल्लाह से काफ़ी अच्छी इनकी सारी डिफरेंट हज और उम्रे पे जो लोग गए हुए हैं उनको तो ये सारे मंजर याद होते हैं, स्पेशली हज के लोगों को, तो जो नहीं गए उनके लिए भी बहुत अच्छी हैं, उनको सारे व्यूज़ और वहाँ का जो मंजर है एक वो सारा इन पेंटिंग्स में देखा जा सकता है। बहुत अच्छा लग रहा है और ये बड़ा ही मैं कहता हूँ कि एक आर्टिस्ट का बड़ा एक अच्छा मौकफ था कि उन्होंने हज की ज्यारत नहीं जितनी भी हैं जितने अरकान हैं उन्होंने कैनवस पे बड़ी अच्छी और बखूबी तरीके से उतारे हैं और मैं उन्हें बहुत अप्रिशिएट करूँगा इस बात पे कि आम आदमी जो हज पे नहीं जा सकते वो यहाँ पे उनके अरकान क्या क्या चीज़ें कैसी होती हैं स्टेप बाय स्टेप चीज़ें सारी देख सकते हैं। बहुत अच्छा फील हो रहा है इनको देख के, आपको बड़ा एक स्पिरिचुअली बहुत एक अच्छा एहसास मिल जाता है, आपको आप अपने दीन से बहुत करीब हो जाते हैं इन चीज़ों को देख के, आपको चीज़ें रिकॉल होती हैं कि आपका भी एक एक मतलब टारगेट है कि मैं कि आप हर बंदे का दिल करता है वहाँ पे जाने का।